हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 ईयर्स से कम है तो क्या आप खुद के गेम्स पब्लिश कर सकते हो, हाँ या ना, इसका आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, जब आपकी उम्र 18 ईयर्स से कम की रहती है तो उस टाइम पे आप लीगली एलिजिबल नहीं हो टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड देयर बाय आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बट यहाँ पे दो पार्ट्स है। एक पार्ट है क्या आप गेम्स बना सकते हो, तो गेम्स तो यार कोई भी बना सकता है। अगर आपने गेम बनाना सीख लिया तो आपकी उम्र 100 साल की हो या फिर 6 साल की हो या फिर 14 साल की हो, इट डज नॉट मैटर, आपको गेम बनाना आता है, आप गेम्स बना सकते हो। बट जब बात आती है पब्लिश करने की, दैट इज़ टू पुट इट आउट ऑन द मार्केट प्लेस या फिर कहीं ना कहीं से आपको गेम्स में से अर्निंग करनी है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाती है क्योंकि आपको वहाँ पे 18 प्लस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसको हम लोग कैसे बाईपास करें, कैसे सर्कमवेंट करें, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, हम यू नो प्रोबेबली प्रोडिजीज है या फिर चाइल्ड जीनियसेस है, जो भी है, हमको गेम्स बनाना आता है और हमें लगता है कि हमने जो गेम बनाया है वो मार्केट में चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, मैंने मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू किया था कुशल बैद का। कुशल बैद एट दैट टाइम कुछ साल पहले ही वाज अबाउट 13 इयर्स ऑफ एज, अभी जस्ट रिसेंटली ही टर्न 18। तो तब से लेके अब तक कुशल ने 1.5 साल गेम्स बनाए हैं, पब्लिशर्स के साथ काम किया है, फिर बाद में पैसे भी कमाए हैं इन दैट एंटायर प्रोसेस। तो कुशल ने चीज़ कैसे पॉसिबल की, सिंपल है। अगर आप 18 ईयर्स के नहीं हो बट आप रिलाई कर सकते हो ऑन योर पेरेंट्स या फिर आपके बड़े भाई हो या फिर कोई दोस्त हो जो ट्रस्टवर्दी हो आपके सर्कल में, उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो और उनके नाम पे अर्निंग्स ले सकते हो। एट दी एंड क्या मैटर करता है, आपके पास पैसे आने चाहिए, राइट? वो कहाँ से भी आए दैट डज नॉट मैटर, ऑफकोर्स लीगल राउट से आने चाहिए, डेफिनेटली कुछ इलीगल काम मत करना। बट यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आप बाकायदा अपने पेरेंट्स के नाम पे वो अर्निंग्स ले सकते हो, वो अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ लीगल सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे बस आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, उनको एजुकेट करना है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें करने वाले हैं, एंड वहाँ पे बैठ के उनके साथ थोड़ा कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा आई थिंक डिफ़िकल्ट हो सकता है एट टाइम्स। बट अगर वो आपने कर लिया, अगर आप खुद के गेम्स बना सकते हो और वहाँ से आपको पोटेंशियल दिखता है, तो फिर डेफिनेटली आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी एज 18 से कम है तो आपके पास अभी स्कूल चालू होगा, मे बी कॉलेज चालू होगा, वहाँ पे आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कुशल ने भी उसके साइड पे ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया था, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप दोनों चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया हेड स्टार्ट मिलेगा। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू, बिकॉज अगर आपकी एज अभी 13 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी आगे, राइट? एंड अगर आपने ये स्किल को अभी मास्टर कर लिया, गेम डेवलपमेंट को मास्टर कर लिया और इसको आप रिपीटेडली चीज़ें करते जा रहे हो, राइट, तो आपके पास बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। किसी भी स्किल में अगर आपको मास्टरी करनी है तो उस स्किल को आपको मिनिमम टू मिनिमम अपने लाइफ में 10,000 घंटे देने चाहिए, देने ज़रूरी है। एंड क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपके पास वो 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करने के लिए ढेर सारा टाइम है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आपको डेफिनेटली यहाँ पे फोकस करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपकी जो रेगुलर कमिटमेंट्स है, दैट इज़ योर एजुकेशन, आपका होमवर्क हो या फिर आपके असाइनमेंट्स हो, उनको अफेक्ट होने नहीं देना है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, थ्रू वेरी गुड वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा गूगल कैलेंडर करके टूल है, वहाँ पे आप अपने टाइम को मैनेज करो, दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसको प्रॉपरली स्लॉट आउट करो, एंड आई थिंक गूगल कैलेंडर से आपको एक बहुत बढ़िया तरीका मिलेगा खुद को ऑर्गेनाइज करने का, जहाँ पे आप एक्चुअली टाइम को ब्लॉक आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 से 2 घर पे आ रहे हो, राइट, वो टाइम पे आप लंच के लिए रख सकते हो, मे बी आपका सुबह का स्कूल होगा, आप 1-2 बजे अगर घर पे आते हो तो 1 से 2 बजे तक का आप का एक रेस्ट टाइम रखो, वहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो, फिर बाद में ब्लॉक आउट करो टाइम, बोलो कि आप 2 से 4 मे बी होमवर्क करोगे जो भी अपना स्कूल का रहेगा, फिर 4 से 6 आप गेम डेवलपमेंट के बारे में सीखोगे, 6 से 7 आप नीचे जाके अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तो ऐसे अगर आप चीज़ें करोगे, ऐसे चीज़ों को बैलेंस आउट करोगे, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको गेम्स बनाने के लिए पूरा एकदम 7-8, 10-10 घंटे डेडिकेट करने की ज़रूरत है। हर रोज़ अगर आपने एट योर एज हर दिन अगर 1 से 2 घंटे भी दिए तो भी गुड इनफ है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूँ,
क्योंकि आपकी एज अभी कम है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो आप हमेशा चाहोगे कि हम कोई एक बड़े गेम से स्टार्ट करें, बड़ा गेम बनाएं, बड़ा सोचें, राइट? तो वो मत करना, वो गलती मत करना। मैं आपको ये फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ एज अ गेम एंथुजियास्ट, एज अ गेमर, एज अ गेम डेवलपर। पहला जो गेम है वो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, पहला जो गेम है बहुत सिंपल बनाना और ट्राई करो उसको पब्लिश करने का। देखो मार्केट में फीडबैक क्या आ रहा है, देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपकी गेम के बारे में, राइट? कैसे उस गेम को खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बाद धीरे 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 बिल्डअप करते जाएं। बिकॉज एट योर एज आपको एक चीज़ समझ में होगी कि मे बी आप जो पहला गेम बनाओ वो हिट ना हो, दूसरा गेम बनाओ वो हिट ना हो, 10वां गेम बनाओ वो हिट ना हो, 15वां गेम बनाओ वो हिट ना हो, बट ये पूरी जर्नी है, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। एंड सिंस आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक पूरा हेड स्टार्ट है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, जल्दी फेल हो सकते हो, बिकॉज फेल होना बहुत ज़रूरी है। परेश रावल का एक डायलॉग आता है, जिंदगी एक खेल, कोई पास कोई फेल, तू खेल। तो बेटा तू खेल, तू खेल, सीख और फिर गिर, पढ़, थोड़ा फेलियर चखो, उससे आपको पता चलेगा कि यार कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप 18 साल से नीचे के हो उम्र आपकी, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तो आगे जाके जब आपकी उम्र 24 साल की होगी, 30 साल की होगी, वहाँ पे आपको जो हेड स्टार्ट मिला होगा ना, वो मास्टरी को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरे लोगों को। सो विद दैट इन माइंड दोस्तों, यही था एक सिंपल आंसर कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो फिर आप खुद के गेम्स ऑफिशियली अपने नाम पे पब्लिश नहीं कर सकते, आपको एक नई एंटिटी बनानी पड़ेगी या फिर अपने पेरेंट्स के नाम से वो गेम्स को आप पब्लिश कर सकते हो, बट पर्सनली अपने नाम से नहीं कर सकते। एंड विद दैट इन माइंड आई होप आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, आई होप ये वीडियो आपके काम आया रहेगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो फिर एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।